दिल समाचार में आपका स्वागत है। हाल ही में मुंबई में आयोजित किया गया डिफरेंट एबल लोगों के लिए एक खास जॉब फेयर। इस जॉब फेयर के जरिए मौका मिला कई बेरोजगार हुनरमंदों को बड़ी बड़ी कंपनी से सीधा इंटरेक्ट कर अपने लिए सही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोजने का। साई स्वयं सोसाइटी द्वारा आयोजित इस जॉब फेयर का मकसद था एम्प्लॉयर्स को डिफरेंटली एबल्ड लोगों की हुनर से पहचान कराना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है एनजीओस को ये चांस देना कि हम उनके साथ पार्टनरिंग करके ऐसे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करें। टोटल हमारे पास 32 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई थी जिनमें से आज 21 कंपनीज यहाँ प्रेजेंट थी। साल 2012 से साई स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आने वाले वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ जुड़कर ऐसे कई सारे जॉब फेयर्स दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में आयोजित करते आया है। टाटा सन्स, LIC जैसी कंपनियां अलग से सक्षम लोगों को जिनको रोजगार मिलने में काफी मुश्किलें आती हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। हम लोग बिलीव करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सभी लोगों को जॉब करने के लिए, एंड इसी वजह से करेंटली हमारी कंपनी में डिफरेंटली एबल्ड कलीग्स हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे अलग अलग स्टोर्स में जो कि स्प्रेड अक्रॉस है पुणे, मुंबई और बैंगलोर रीजन में। अराउंड आई थिंक सो मोर देन 1000% विद डिसेबिलिटीज कम अवे हियर एंड मोर देन 60% प्लेसमेंट हैज बीन डन। आप भी ऐसे दूसरे जॉब फेयर्स में अपना नाम रजिस्टर करवा के खुद को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए या फिर अपने रेज्यूमेस इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए sai.swayam9@gmail.com। और अब बात ऐसे कुछ हिम्मत वालों की जिन्होंने कभी ना हार मानने की कसम खाई हो। ऐसे ही कुछ हीरोज को नवाजा गया डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड से। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी, व्हीलचेयर बाउंड रुदेश्वर सिंह भट्टी, अरुणिमा सिन्हा जिनके एक पैर नहीं है, पैरालिटिक नवीन गुलिया और विजुअली चैलेंज्ड नीलेश सिंघाल, ये उन हौसलेमंद लोगों के नाम हैं जिन्होंने कभी निराश होना सीखा ही नहीं। शारीरिक कमियों से जूझते हुए भी थकना कभी मंजूर नहीं किया इन्होंने। इंडियन क्रिकेटर्स MS धोनी और जहीर खान ने इन हीरोज को डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया। हम शारीरिक रूप से सक्षम लोग हर चीज कर पाते हैं, पर जब आप शारीरिक अक्षम लोगों को देखते हैं तो इनकी शारीरिक क्षमता प्रेरणा योग्य है। I feel, you know, life is not fair. देखने में लगता है कि सही नहीं है, पर ये जिंदगी जीने के सफर में दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। For others to follow. ऐसे एक पोलियो पीड़ित नौजवान जिसने अपने हिम्मत के बल पर ना ही सिर्फ खुद को बाकी कई लोगों को भी सक्षम बनाया। गुलशन कुमार की कहानी ना सिर्फ दिलों को छू जाती है पर ये विश्वास भी दिलाती है कि अगर चाह है तो राह भी जरूर मिल जाएगी। 8 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित होने के बाद गुलशन ने गुरु सैयद सलाउद्दीन पाशा के एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज वो फैसला उन्हें इस मुकाम पर ले आया है। अपने डांस के स्किल से उन्हें दिशा मिली इस फाउंडेशन में। कड़ी मेहनत के बदौलत गुलशन उन गिने चुने हुनरमंदों में से एक हैं जिन्हें लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में परफॉर्म करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, गुलशन एक गिनेस रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। उन्होंने 1 मिनट में 63 स्पिन्स कर व्हीलचेयर पर सबसे ज्यादा स्पिन्स करने का टाइटल हासिल किया 2011 में। वाकई अगर हुनर हो तो कोई भी इंसान किसी भी कठिन दुर्बलता को भी शक्ति का रूप दे सकता है।